बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार्स में अजय देवगन का नाम हमेशा शान से लिया जाता है। जहां बॉलीवुड में घास जैसा एक ब्रांड है, वहीं अजय देवगन भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वैसे अब उनकी फिल्म सिंघम अगेन आ रही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि अजय ने सलमान खान को फॉलो किया है, पर जिस तरह से टाइगर 3 में टाइगर पहुंचेगा पाकिस्तान, उसी तरह से सिंघम भी पाकिस्तान जाएगा। अरे भाई, चाय नाश्ता करने के लिए नहीं बल्कि एक मिशन पर। वैसे अक्षय कुमार की जो फिल्म सूर्यवंशी है, उसमें जिस तरह जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर आतंकवादी था और उसके जरिए पाकिस्तान का कनेक्शन दिखाया गया था, तो उसी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। पर एक सवाल ये है कि क्या सिंघम अगेन का टाइगर 3 जितना बज है, देखा जाए तो उतना नहीं है। पॉपुलर फ्रेंचाइजी, प्रॉमिसिंग कास्ट और डायरेक्टर होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? जब हम ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि अजय और सलमान दोनों ही तगड़े स्टार्स हैं और उनका तगड़ा फैन बेस भी है। पर सलमान की टाइगर फ्रेंचाइजी हमेशा ऐसी प्लॉट लाइंस पर फोकस करती है और ऐसे सस्पेंस क्रिएट करती है जो ऑडियंस को आसानी से खींच लेती है। वहीं सिंघम फ्रेंचाइजी में कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिक्स है। पर फिर भी सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स हो, सिम्बा, सूर्यवंशी हो, इनकी प्लॉट लाइंस थोड़ी सी वीक साबित हुई। जहां कभी ओवर एक्टिंग बताई गई, कभी प्लॉट को लेकर दिक्कत हुई, इसलिए वो सस्पेंस थ्रिलर वाला एक्सपीरियंस 100% नहीं मिला, ऐसा कुछ ऑडियंस क्लियरली बोल देती है। टाइगर फ्रेंचाइजी में जो एक्शन सिक्वेंसेज है, उतने ही तगड़े सिक्वेंसेज सिंघम फ्रेंचाइजी में भी है, क्योंकि रोहित शेट्टी खुद एक एक्शन डायरेक्टर है और वो इंटरनेशनल लेवल के एक्शन डायरेक्टर्स भी अभी लाने वाले हैं। पर सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी एंगेजिंग एलिमेंट डालने में रोहित शायद कम पड़ रहे हैं। अब ऑडियंस पोल लिया जाए तो उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिंघम अगेन में तो वही होगा जो सिंघम रिटर्न्स और सिंघम में हुआ, एक मिशन होगा और सब एक साथ आएंगे, कैमियोज होंगे, मतलब यही होगा हर बार की तरह, ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं। पर ऐसी फिल्मों के लिए ऐसा रिएक्शन नहीं आना चाहिए, वहां पर लोग कंफ्यूज होने चाहिए और उन्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो अभी तक तो नहीं है। ऊपर से टाइगर 3 में इमरान हाशमी को विलन के तौर पर कास्ट किया गया है, जिसकी वजह से फिल्म का हाइप काफी बढ़ गया है। इमरान एक सीरियल किसर जरूर है, पर उनकी एक क्रेज भी है। वहीं हम सिंघम अगेन में देखेंगे तो अर्जुन कपूर, जिन्हें सरकास्टिक वे में एक्सप्रेशन किंग कहते हैं, उनकी कास्टिंग पर ही सवाल उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिंघम फ्रेंचाइजी के जो फैंस है, उनके लिए ये इतना एक्साइटिंग नहीं है। वैसे सिंघम अगेन को लेकर अभी तक इतना कुछ रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि फिल्म रिलीज होने में काफी टाइम है। पर फिल्म का क्रेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके सामने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भी आने वाली है 15 अगस्त को। तो सामने वाला अगर हल्के में ले रहा है, तो रोहित अन्ना को कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से सामने वाले को डर रहे कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर बहुत तगड़ा है रे। तो फिलहाल आपका इस क्लैश पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।